थाने देशन मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, जंतर मंतर के ऊपर महिला पहलवानों ने जिस तरीके से आंदोलन धरना प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह पूरा देश जानता है कि बृजभूषण सिंह जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है, जिस पे देखना ये है कि योगी सरकार किस तरीके से इन्हें इंसाफ दिलाती है। बताया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह अब तक इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है, जिसकी वजह से बृजभूषण जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के जरिए उन पर जो धाराएं लगी है, जिससे FIR दर्ज हुई है, उसके बावजूद अभी तक के उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज मुंबई बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने भी महिला पहलवानों को समर्थन देने की बात की है और कहा है जिस किस्म की भी उन्हें आर्थिक रूप से मदद चाहिए तो सलमान खान उन्हें इस आर्थिक स्थिति में उनका साथ देने और समर्थन देने को साथ है। और देखा जा रहा है कि जंतर मंतर के ऊपर दूर दराज से भी वहां पर भावुक लोग आए हैं और उनका ये मानना है कि जो ये पहलवान है, जो गोल्ड मेडलिस्ट आते हैं और गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए लेके आते हैं, जिन्होंने हमारे देश का सर ऊंचा किया है, इनके समर्थन में पूरा देश उमड़ के आया है और सबका कहना है कि ये पहलवानों की लड़ाई नहीं है, ये हकीकतन हमारे देश की बेटियों की आत्म सुरक्षण की बात है, उनकी रक्षण की बात है। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे देशन मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।